हेलो एंड वेलकम। टुडे टॉप 5 न्यूज आर लाइक दिस। सबसे पहली न्यूज है आरबीआई लॉन्चेस फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। सो जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसने क्रिएट किया है कंपोजिट फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स टू कैप्चर द एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन अक्रॉस द कंट्री। इसकी जो अनाउंसमेंट थी वो की गई थी हमारी फर्स्ट बाई मंथली मॉनिटरी पॉलिसी स्टेटमेंट जो अप्रैल 7 तारीख को रिलीज किया गया था। उसके साथ ही जो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है इसको कंसेप्चुलाइज किया गया है एज ए कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स इनकॉर्पोरेटिंग डिटेल्स ऑफ बैंकिंग इन्वेस्टमेंट्स इंश्योरेंस पोस्टल एज वेल एज द पेंशन सेक्टर। इसको कंसल्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कंसल्ट किया गया है और रिस्पेक्टिव सेक्टोरल रेगुलेटर्स को भी। इसके साथ ही जो इस साल का एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स था फॉर द पीरियड एंडिंग मार्च 2021, इसकी जो रेटिंग थी वो थी 53.9। इसके साथ ही जो 2017 में रेटिंग थी वो थी 43.4। उसके साथ ही ये पब्लिश किया जाएगा एवरी ईयर जुलाई मंथ में। एंड इसको इसके तीन ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिसमें एक्सेस 35%, यूजेस 45% एंड क्वालिटी 20%। जो ये यूनिक फीचर है इसका वो है क्वालिटी पैरामीटर जो कैप्चर करता है क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एज रिफ्लेक्टेड बाय फाइनेंशियल लिटरेसी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड इनइक्वालिटीज एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है माकी काजी द गॉडफादर ऑफ सुडोको इज डेड एट 69। सो जो माकी काजी हैं ये जापान के हैं एंड इन्होंने सुडोको पजल का आविष्कार किया था एंड ही मेड द पजल एंड ये बहुत ही पॉपुलर लॉजिकल पजल थी एंड इसी के लिए इनको गॉडफादर ऑफ सुडोको से भी जाना जाता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज पे, वो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेट्स वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक। सो जो हमारे एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर मिनिस्टर हैं, फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट रिफर्बिश्ड नेशनल जीन बैंक। और ये कहाँ पे किया गया? एट द नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स पूसा इन न्यू दिल्ली। उसके साथ ही जो हमारा जीन बैंक की स्थापना थी वो की गई थी 1996 में टू प्रिजर्व द सीड्स ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसके साथ ही जो ये इसकी कैपेसिटी होगी टू प्रिजर्व अबाउट 10 लाख जर्म प्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ सीड्स। प्रेजेंटली जो इसकी कैपेसिटी है वो है 4,52,000। एंड नेक्स्ट न्यूज आती है वो है इंडिया रिकॉर्ड्स 572% ग्रोथ इन ग्रांट ऑफ पेटेंट्स इन लास्ट 7 ईयर्स। सो जो इस साल लास्ट ईयर 2020 और 2021 में जो पेटेंट्स ग्रांट किए गए थे उनकी संख्या है 28,391, जो कि 2013-14 में हमारे पेटेंट्स ग्रांट से 4,227। यह हमारा 572% ग्रोथ। इसके साथ ही हमारी इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी रैंकिंग जंप हुई है एंड लास्ट ईयर के ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारी रैंकिंग थी 48, जो कि 2015-16 में थी 81। उसके बाद मिनिस्टर ऑफ हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन टेक्सटाइल, ये है हमारे श्री पीयूष गोयल। इन्होंने नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स भी दिए एंड इस अवसर पे इन्होंने बताया कि हमारा इनोवेशन से कितना फ़ायदा हुआ है। इन अवार्ड्स में ये आपके सामने अवार्ड्स लिस्ट हैं जिसको डिफरेंट कैटेगरीज में दिया गया है, जैसे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवार्ड्स टॉप इंडियन इंडिविजुअल फॉर पेटेंट्स एंड कमर्शलाइजेशन एंड वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन मेडल फॉर इन्वेंटर्स, ये मिला है मिस्टर विश्वेश श्रीनिवासन को। ऐसे ही टॉप इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन फॉर पेटेंट्स एंड कमर्शलाइजेशन मिला है एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा को। यही इसी प्रकार हमारे और भी हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आती है अटल इनोवेशन मिशन इन कोलैबोरेशन विद डसॉल्ट सिस्टम्स फाउंडेशन लॉन्च स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0। सो जो हमारा स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है ये नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया है एंड ये अभी इसका तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया है। जो अटल इनोवेशन मिशन है ये कोलैबोरेशन किया गया है इसका ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम, जो कि डसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन की ब्रांच है इन इंडिया ऑन मंडे। इसके साथ ही ये थर्ड सीरीज होगी स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम की फॉर द यंग इनोवेटर्स ऑफ अटल टिंकरिंग लैब्स। इसके साथ ही जो इसकी थीम होगी वो है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स प्रोग्राम।
उसके साथ ही इसको कंसेप्चुलाइज एंड रोल आउट किया गया है इन फ्रांस बाय ला मेन अल्ला पेटे फाउंडेशन एंड ला फाउंडेशन डसॉल्ट सिस्टम्स यूरोप इन 2017। जो प्रोग्राम है ये मोटिवेट करेगा स्कूल स्टूडेंट को टू बिकम फ्यूचर इनोवेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स। इसके साथ ही खत्म होती है हमारी आज की टॉप 5 न्यूज़। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।